फेवरेट्स के बारे में बताऊंगी क्योंकि वक्त के साथ फेवरेट्स चेंज हो जाते हैं। तो मैं अपने फेवरेट का सारा बताऊंगी और मैंने अभी इस वक्त नहीं है क्योंकि वो अपना काम कर रही है, वो अपनी बताएगी फेवरेट्स के बारे में। तो उनकी जो बात में आएगी अभी वो अपने काम में बिजी है। तो चले मैं अपने फेवरेट्स को बताती हूँ। माय फोन नेम्स मनाज अहमद और माय निक नेम इज वाफा और माय बॉर्न इन कराची कराची में पैदा हुई हूँ। मॉडल कॉलोनी में और महेंद्र एयरपोर्ट साइड में एक्स्ट्रा गेट में पैदा हुई थी और मैं मॉलबॉर्नी में पैदा हुई थी। और माय रिलीजन इज इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है। माय साइन कैंसर, मेरा स्टार कैंसर है। डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई। और माय हॉबीज, मेरी हॉबीज है 5 टाइम्स पे 5 वक्त की नमाज पढ़ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना और गाने वगैरह पहले सुनती थी, अब कम कर दिया मैंने। सुनती हूँ अभी सैटरडे सुनती हूँ। और टाइम नहीं मिलता, घर जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता गाना सुनने का, लेकिन मैं सुनती हूँ। मैं ज़्यादातर पर्शियन सॉन्ग सुनती हूँ क्योंकि मुझे पर्शियन म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, पर्शियन म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगता है। पूरी दुनिया के गाने सुनती हूँ जो अच्छा लगता है मुझे, म्यूज़िक शायरी वगैरह मैं सुनती हूँ। और माय फेवरेट और बट टेस्टी अच्छा पकवान सारे खाने अच्छे होते हैं। फ्रूट्स भी ऑल ड्रिंक पानी वाटर, पानी से ही प्यार पूछते हमेशा का कुछ भी पी लें लेकिन पानी पानी होता है। और माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री और रूहानियत। ऐसे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं क्योंकि एजुकेशन अच्छी होती है, सब फायदे ही देती है एजुकेशन की। सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं और बस मैंने ऐसे पढ़े आपको हर चीज़ समझ में आ जाती है। वैसे मेरा साइंस है फेवरेट और रूहानियत। और फेवरेट ड्रेस जो पहनने में सॉन्ग जो आपको मुश्किल ना रहते हैं, सारी ड्रेस अच्छे होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो वो ड्रेस अच्छा लगता है जिससे नंगाई ना हो, इंसान नंगा ना हो, वो ड्रेस अच्छा लगता है। और वैसे शलवार कमीज ही अच्छा लगता है मुझे। पैंट शर्ट सर्दियों में पहन लेते लेकिन मुझे पसंद नहीं होता, सर्दियों में पहन लेते मुझे शलवार कमीज ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पहना था। एनिमल्स कैट है, बहुत सारी जानवर अच्छे हैं, थोड़ा कोई भी नहीं होता। भैया मस्तियाँ कर रही हूँ भैया, एक तो बार गई ये छोटी भी जाए। और फेवरेट ड्रेस को मैंने बता दिया, फेवरेट ड्रेस तो शलवार कमीज है। और फ्रूट्स भी कॉल, फेवरेट वाटर, फेवरेट मेरी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, सब्जेक्ट तो ऑल है, सब सारी चीज़ें तो ऑल ही होता मेरे, क्योंकि मैं हर चीज़ कर लेती हूँ अल्लाह का शुक्र है। और फेवरेट कंट्री मुझे अपना जो है अल्लाह ताला ने हमें दिया है जन्नत, हमें जन्नत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसानों को रियल जो है असल दुनिया, रियल वर्ल्ड
वो है जन्नत, तो हमें जन्नत पाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें अमाल दुरुस्त रखना चाहिए, फिर हमें जन्नत मिल जाएगा। बस मेरे फेवरेट कंट्री वही है जन्नत। ये दुनिया तो फ़ानी है, हम यहाँ वक्त गुजार रहे हैं, इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझना चाहिए। ये मुसाफिर खाना है तो ये मेरा फेवरेट हो ही नहीं सकता कोई, बस हम वक्त गुजार रहे हैं। मेरा फेवरेट रियल वर्ल्ड जो है मेरा, माई फेवरेट वर्ल्ड इज जन्नत। जन्नत अच्छा लगता है, हर चीज़ सुकून ही सुकून है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरा फेवरेट कंट्री जन्नत है। और बुरा कहीं भी नहीं होता, बस कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं तो इंसान को बुरा बनना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए अपने ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, बस ये ध्यान रखा करें सारे इंसान पूरी दुनिया के लिए। कोशिश करें अपने ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी में ज़्यादा इंसानों की पकड़ हो कदर में। तो कोशिश करें अपने ज़ात से किसी को तकलीफ ना दो, बस मैं ये कहूँगा। और मेरे फेवरेट टॉय है पपी डॉल, मेरे फेवरेट हैं। और सब्जेक्ट तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, रूहानियत और इस्लामिया भी अच्छा लगता है। झूले होते हैं और जहाँ खाने पीने चीज़ें अच्छी मिलती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर घर के पके हुए खाने पसंद करती हूँ। बाहर से ज़्यादा मैं खाना पसंद नहीं करती क्योंकि बाहर पता नहीं किस तरह का खाना है, तो ज़्यादातर मैं घर का खाना खाती हूँ शौक से। चीज़ें ला के बाज़ार से धो धा के हम अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं और खाते हैं जो वैसे घर का खाना चाहिए, घर का पका बाहर का नहीं चाहिए। कभी कभार खा लेते हैं लेकिन ज़्यादातर मैं घर का पका हुआ खाती हूँ। और बस मैं यही कहूँगी कि सब इंसानों को मिलजुल कर रहना चाहिए, दुनिया में फसाद नहीं फैलाना चाहिए। और मेरी फेवरेट कार, कार भी और गाड़ियाँ सारी अच्छी होती हैं, जो काम आए आपको पूरे वक्त में वो चीज़ अच्छी होती है। कार भी और कोई खास फेवरेट नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ सारी अच्छी लगती हैं, बसेस भी अच्छी लगती हैं मुझे, बाइक वगैरह साइकिल कार सब अच्छी होती है। क्योंकि कार अच्छी होती है इंसानों को काम आती है, गाड़ियाँ सारी अच्छी होती हैं। और फेवरेट फ्लावर्स भी ऑल, आई लाइक ऑल फ्लावर्स, मुझे फ्लावर बहुत पसंद है। तो मैं हर जगह फ्लावर्स लगा रहती हूँ, मेरे क्लास में भी मैंने फ्लावर्स लगाए हैं और घर में भी बाहर फ्लावर लगाए हैं। और ये सारे फ्लावर देखते रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स। कुदरती चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हवाएँ पार जाते हैं, हवा को महसूस करें, हवा अच्छी लगती है। और समुंदर अच्छा लगता है, फ्लावर अच्छे लगते हैं, ट्रीज़ अच्छे लगते हैं, ग्रास अच्छे लगते हैं, पार्क में बैठना अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मेरे फेवरेट जो प्लेस है वो अपना घर होता है, मुझे अपना ज़्यादा घर अच्छा लगता है। और मेरा फेवरेट बुक है कुरान, मेरे फेवरेट बुक है Eagles. Maybe coming.
efendi ne kadar anlattım kapıyı, dostum ne kadar anlattım, bir kapıyı. Ezit kapıyı sakı, lakin ne kadar efendi ne anlattım kapıyı. Dostum ne kadar anlattım kapıyı. İnsan bir çarabeyi rakamalı, bir de bir çarka, lakin ne kadar efendi ne koşu. Yarı lokun kadını koşu yürüyecek. Ezit sakı kapıyı, lakin ismini bir kapıyı. कोशिश करती हूँ मैं सब इंसानों को सब कैमरों का ख्याल रखूँ और अपने साथ सीख सी तकलीफ ना दूँ, लेकिन जो लोग गलत बात करते हैं उनको मैं सुना भी देती हूँ और जहाँ जब पड़ती है वहाँ टिका दूँ और ये भी जैसे आप आगे भी जा रहे हैं आना जाना भी होगा रहता है यहाँ से यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ आ जाओ कर आती हूँ जाने जा रहे बाहर चली गई दुनिया तंग कर रही थी मुझे बार बार आना जाना रहता है इनका तो मैंने थोड़ा सा खोल दिया अब चले गए सुबह में दिन को अब मैं इनके दिमाग खा रही बाहर जाती सैन हाँ मेरे फेवरेट मुझे परफ्यूम्स भी बहुत अच्छे लगते हैं और फ्लावर्स तो बताए तो फ्लावर अच्छे लगते हैं मुझे परफ्यूम को अच्छे लगते हैं और मेकअप में कभी कभार आई शेड लगा लेती हूँ वरना रोज रोज नहीं लगाती लिपस्टिक भी अच्छा लगता मुझे मेकअप में कुछ भी नहीं अच्छा लगता सिवाय लिपस्टिक से वो भी लाइट लाइट कलर अच्छा लगता है सर्दियों में कभी कभार डार्क लगा लेते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा लाइट कलर पसंद होते हैं और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो आपको मैंने बता ही दिया है और मेरा फेवरेट कलर पिंक ब्लैक ब्लू पर्पल कभी कभी मूड होता तो सारी कलर पहन लेती तो मेरे फेवरेट कलर वो मैंने बता दिया और मुझे शीरकुरमा फूड में शीरकुरमा कबाब बहुत अच्छे लगते हैं कबाब मुझे बहुत पसंद है फिश भी पसंद है खाने में सारे खा लेती हूँ अच्छा पकाना चाहिए ऑल फ्रूट्स और फूड पर भी ऑल फ्रूट्स सब अच्छे सब खाती हूँ और सीज़न मुझे अच्छा लगता है विंटर और ऑटम सभी अच्छे मौसम है पूरा कोई भी नहीं ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी वाला मौसम नहीं अच्छा लगता गर्मी आना हो सही रहता है नवंबर का महीना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ना गर्मी होती ना सर्दी होती नवंबर का महीना जो होता है वो सबसे अच्छा होता है ना उसमें गर्मी होती ज़्यादा ना ज़्यादा सर्दी होती है और शौक है ट्रैवलिंग का वो करता है सारे कंट्री को देखने के सामने से जब मैं जाऊँगी तो फिर मैं डिस्कस करूँगी उनके बारे में जब तक मैं मेरी आदत है मैं जब तक खुद से ना मिलूँ लोगों से तो मैं कोई गेस नहीं कर सकती जब तक मैं खुद ना मिलूँ मुझे फिर अंदाज़ा हो जाता है जब मैं खुद मिलती हूँ तो पता चलता है कि लोग किस टाइप के कैसे जहनियत है जब मैं मिलूँगी तभी बता सकूँगी हाँ मुझे ईरानी लोग को पता है ईरानी लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ईरानी पर्शियन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आई हैव मैनी फ्रेंड्स ईरानी लोग बहुत अच्छे पर्शियन लोग बहुत अच्छे होते हैं मेहमान नवाज होते हैं और आपके पूरे वक्त में साथ देने वाले होते हैं ईरानी बहुत अच्छे होते हैं मैं भी ईरानी लोग से मिली हूँ और पाकिस्तानी लोग भी अच्छे होते हैं बाकी लोगों से सलाम तक है ज़्यादा नहीं बोलूँगा रैनियम ज़्यादा अच्छे होते हैं मैंने उनसे बात की है मेरे दोस्त थे मेरे क्लास फैलो थे स्कूल्स में पाकिस्तान में बहुत थे रैनियम हमारे स्कूल में बहुत थे मेरे
फ्रेंड्स बहुत थे स्कूल में, तो ईरानी लोगों को मुझे पता है, रशियन लोग बहुत अच्छे होते हैं, बुरे वक्त में साथ देने वाले होते हैं और मेहमान नवाजी बहुत अच्छा होता है, खिलाते खिलाते आपको बहुत अच्छे होते हैं रशियन लोग, ईरानी लोग। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे स्कूल में, हमारे क्लास वाले भी थे, उस जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस ज़माने में रशियन लोग के पास थे पाकिस्तान में, तो काफ़ी चले गए अपने लोग, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो अपने कंट्री में होते हैं ज़्यादातर, लेकिन बातचीत होती रहती है, कॉल बात करते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते हैं और कॉल भी कर देते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स ज़्यादातर ईरानी हैं। पाकिस्तान में मेरी एक ही दोस्त है और मेरी फ्रेंड ज़्यादातर मेरे बहन नहीं है, मेरे भतीजे भतीजे की बेटी, तो बच्चे ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स होते हैं, मैं बच्चों से दोस्ती रखती हूँ, दोनों से ज़्यादा मैं दोस्ती नहीं रखती, तो बड़ों के अंदर बहुत बुराई है आजकल, तो अवॉइड करना चाहिए बुरे लोगों से, बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चों से दोस्ती होती है, तो मैं बच्चों से दोस्ती रखती हूँ छोटे बच्चों से, जो बच्चे मन के सच्चे होते हैं उनके अंदर बुराई नहीं होती, बड़ों से भी रखते ज़्यादा नहीं रखते, नहीं रखते बड़ों से, आजकल बहुत बुराई फैली है, इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए बुरे लोगों से, बेहतर ही होते कि आप ना उनसे लड़ें ना मिले, रखें ही ना, बुरे लोगों से अवॉइड ही करना बेहतर होता है, बुरे लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना। और हमारे रिलेटिव्स हर जगह रहते हैं, पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका, इंडिया और जर्मनी, रिश्तेदार हर में हर जगह उनसे बात होती रहती है, और लैपटॉप पसंद है, मोबाइल अच्छे लगते हैं, मुझे ज़्यादा लैपटॉप पसंद है, जिसका मॉनिटर स्क्रीन बड़ा होता है तो बड़ा देखने मज़ा आता है, और पानी अच्छा लगता है ट्रेन में, तो कंट्री भी सभी सब अच्छे हैं अगर लोग मिलजुल कर रहे हैं, सब लड़ाई झगड़ा ना करें तो ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगा, वही मैं कहती हूँ अपने अंदर से हसद तासुब जुल्म निकाल दीजिए, ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगा, सब सब एक दूसरे को बर्दाश्त करें, लड़ाई झगड़ा मत करें, कोई फ़ायदा नहीं है, मर तो जाना है, इस दुनिया से चले जाना है, तो क्यों लड़ते हैं लोग आपस में, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए और दूसरों की चीज़ों पर कब्जा नहीं करना चाहिए, ये सबसे गंदी आदत है और इसी में ज़्यादा पकड़ होगी, जो दूसरों की चीज़ों में कब्जा करने की कोशिश करते हैं इसी में अल्लाह पकड़ेगा। और यही कहूँगी, कई बार बोल चुकी हूँ, हमारी कॉपी मत करें, हमसे हसद नहीं करें, हम यहाँ मुकाबला करने नहीं आए हैं, किसी को चढ़ाने नहीं आए हैं, सब बनाते हैं, तो हमने सोचा हम भी यूट्यूब में वीडियो बनाएं, तो हम किसी से मुकाबला करने नहीं आए हैं, हमारा मुकाबला हम आप क्या करें, दो ही खातून हैं, एक देहाती हैं और एक बांग्लादेश में रहती हैं, जैसे कुछ टीचर्स जो मुझसे जलती थी, मैंने पहले भी जिक्र किया था, कुछ औरतें होती हैं उनको अपने अंदर से हसद निकालना चाहिए, तो एक दो यूट्यूबर हैं, एक देहातन है और एक बांग्लादेश में रहती हैं, बिला वजह मेरी कॉपी करती हैं, मुझे चढ़ाने के लिए वीडियो बनाती हैं, मैं नहीं चढ़ती आप लोगों से, कॉपी तो आप लोग मेरी ही कर रही हैं, तो मैं किस बात पर चढ़ूँगी, तो ये सबसे ज़्यादा घटिया है दूसरों को चढ़ा कर वीडियो बनाना, तो कोशिश करें किसी को चढ़ाने की कोशिश मत करें, ये सबसे गंदी और सबसे घटिया आदत है, जो ओछापन करते हैं अल्लाह ताला उनको ज़्यादा ही अजाब देगा,
जो आजकल कुछ अपन फैला हुआ है उससे अपने आप को बच जाएंगे ओछेपन से, इसी में अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी और इसी का ज़्यादा अजाब होता है ओछेपन में जो लोग करते हैं। हमारी कॉपी मतलब हम आपकी कॉपी नहीं करते, हम मैंने पहले कहा हमें मुकाबला करने नहीं आए हैं, सब बनाते तो हमने कहा हम भी बनाए लीजिए। और मेरे बाल अच्छे हैं और मैं बचपन से खोलती हूँ, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं खोलती, वो देहातन खातों हैं तो वो बिना वजह बाल खोल के मेरी कॉपी कर करके आ रहे हैं। आप जो हैं आप वो अपने असली दिखाइए, मेरी कॉपी करके मनाज बनने की कोशिश मत करें, आप मनाज नहीं हैं और ना मनाज बन सकती हैं, आप जो हैं वो दिखाएं, मैं जो हूँ मैं वो दिखाती हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करती और ना मैं किसी को चढ़ाने आई हूँ, सब बनाते हैं करने का हम भी बनाएंगे, तो मेरी कॉपी मत क्या करें, आप अपनी असलियत दिखाएं, मेरी कॉपी मत करें, मुझे शौक बिल्कुल पसंद नहीं है, हम बचपन से बाल खोलते हैं वही आदत है मेरे बाल खोलने की, और जब मूल होता है तो चोटी भी बांधते हैं कोनीस भी बांधते हैं, दो कोनी भी बांधते हैं एक कोनी भी बांधते हैं, हम किसी को चढ़ाने वाला काम नहीं करते, हम उसे चिड़ना हसद बंद करते हैं, और वैसे भी हसद करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और जो लोग हसद करते हैं उसके खिलाफ चाले चलते हैं वो जन्नत में भी नहीं जाएंगे, ये हकीकत है, कोई छूट बात नहीं है। जो लोग हसद करते हैं दूसरों पर जोर करते हैं दूसरों के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं वो जन्नत में नहीं जाते हैं, तो नशे खोलिए उसको पढ़िए और समझिए, तो ओछेपन से अपने आप को बचा के रखिए, जितनी भी बुराइयाँ हैं दुनिया में कोशिश करें सब बुराइयों से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि इसी में ज़्यादा पकड़ होती है अल्लाह ताला के हाथ, तो कोशिश करें सीधे रास्ते चलें, गलत रास्ता उल्टे रास्ते में चलें, सीधे सीधे रास्ते चलें, सीधे सीधे दूसरों से हसद ख़त्म कर दें, कोई भी नहीं करता बस वही वही खातून है जो मेरी कॉपी करती हूँ यूट्यूब में, तो उनको मैं ये कहूँगी आप अपना कल्चर दिखाइए, अनाज मत बनाए, अनाज आपका कल्चर नहीं है, जो आपका कल्चर है आप वो दिखाइए, मेरी कॉपी मत बनाए, बस वही है अपने आप को ओछेपन से बचाइए, ओछेपन में ही अल्लाह ताला पकड़ेगा सब, कोशिश करें मिजाज से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, यही सबसे ज़्यादा गुनाह है शेर के साथ।